हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 दैट इज ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमको आज एनालाइज करना है। यानी आप इस वीडियो को एज अ शॉर्ट समरी के तौर पर भी देख सकते हो कि हमें आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीजें को स्टडी करनी है। तो विदाउट डिस्टर्ब आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहला पढ़ेंगे भी किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने ये थ्योरम ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में अप्लाई किया हुआ है, 10 स्टैंडर्ड में इसका एक प्रॉपर थ्योरम भी है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है एज अ थ्योरम वाला पार्ट में, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है 10 स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये थ्योरम का मेन पर्पस क्या होता है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए। एक है आपका एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन को अगर मैं सिंपल में बोलूं तो पाइथागोरस थ्योरम कहां पर अप्लाइड हो रहा है उसकी बात करेंगे, एंड सेकेंड ट्रिपलेट्स। ये दो तरीके से क्वेश्चंस हमको यहाँ पर पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि मेरे को यहाँ पर तीन क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तीन वैल्यूज दिया होगा, फॉर एग्जांपल 3, 4 and 5, तीन नंबर्स दिए। अब ये तीनों नंबर में से जो बिगर नंबर होगा, दैट इज लार्जर नंबर, कौन सा है, लार्जर वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू है मेरी 5, उसका स्क्वायर करो, That is 25. 5 square will be 25. And the remaining values कौन-कौन से? Remaining value तो 3 square plus 4 square. तो 3 square 9, 4 square 16. Total is 25. इसका मतलब 5 square is equal to sum of 3 square and 4 square. इसको हम लोग बोलते हैं triplets. क्या बोलते हैं इसको? हमें triplets बोलेंगे, ठीक है। तो triplets is a relation between 3 values. जिसमें लार्जर वैल्यू, द स्क्वायर ऑफ लार्जर वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज। तो ये ट्रिपलेट्स का एक क्वेश्चन हो गया। और अप्लाइड का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को एक पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए एक 90 डिग्री का ट्राइंगल होना जरूरी है। इस 90 डिग्री के ट्राइंगल में एक मेरा बेस होगा, एक मेरा हाइट होगा, एंड 90 के ऑपोजिट्स में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एज यू नो हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है जिसको हम लोग साइड वन स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, साइड टू स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये एक मेरा एप्लीकेशन हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। बेस्ड ऑन दिस कभी कभी ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर दो चीजें देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा दो ट्राइंगल बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बट द वैल्यू अदर देन 90 डिग्री इज द एंगल वैल्यू इज 45 डिग्री। और सपोज ए बी एंड सी, ए बी सी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक डिग्री वैल्यू 90 होगा बिकॉज इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, हमको अप्लाई करना है तो हम लोग ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री के अलावा बाकी के जो दो एंगल्स है उसका वैल्यू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इन दिस केस हम लोगों को अगर सिंपलीफाइड में करना है तो ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ दिस साइड, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? Opposite side of a 45 degree is 1/√2 times of the hypotenuse. ये वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। अब बोलोगे सर 45 degree के opposite में, ये 45 के opposite में BC भी आ रहा है and ये 45 के opposite में AB आ रहा है, तो दोनों चलेगा, doesn't matter and my hypotenuse is AC, that's it। ये application हो गया इसका, understood? I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं। ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, सो BC इज इक्वल टू AB, दैट इज 45 के ऑपोजिट में BC आ गया, ये 45 के ऑपोजिट में AB आ गया, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द
एसी, एसी मतलब हाइपोटेनस, अंडरस्टूड। नाउ कम टू सेकंड वाला ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल ऑफ पीक्यूआर, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ पीक्यूआर। मान लो ये ट्रायंगल होगा 30, ये ट्रायंगल होगा 60, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। नाउ इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे एक 30, एक 60, एक 90 होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 30 60 90 ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? 30 60 90 ट्रायंगल। तो ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। ये दो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है सर, ये थ्योरम्स आया कहाँ से, ये वैल्यूज आया कहाँ से, ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लोग उसमें आपको उसके स्टेटमेंट एंड उसके साथ प्रूफ भी बताने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग इसको समरी तौर पे लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ अ 30 डिग्री, 30 का ऑपोजिट में क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, पी आर इज माई हाइपोटेनियस, अंडरस्टूड। ऑपोजिट साइड ऑफ 60, 60 का ऑपोजिट क्या होता है, पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 ऑफ द हाइपोटेनस, दैट इज पी आर। तो वैल्यूज जैसे पुट करने का, फिर जो वैल्यूज दे उसको करो, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर आएगी नहीं। यानी पहला हमको पाइथागोरस करना है, सेकंड हमको 30 60 90 आइदर, और या फिर हमको 45 45 बाई 90, ये तीन में से कोई एक देगा। ठीक है, एक तो एप्लीकेशन हो गया, दैट इज ये वाला फॉर्मूला लगाना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, एक ये फंडा हो गया। सेकेंड फंडा हो गया मेरा ट्रिपलेक्स वाला, ट्रिपलेक्स का एक क्वेश्चन आ सकता है 45 45 90, एंड फोर्थ वाला फंडा हो जाएगा मेरा 30 60 90। अब हम लोग बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ये चार होने के बाद अब हम लोग जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन की तरफ, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। अब सर ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको हम लोग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या होता है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल होगा, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योमेट्री तो इसमें पाइथागोरस लग जाता है, बट यहां पर जो 90 डिग्री है, फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल we draw BP is perpendicular on AC. What is my BP? BP is a ray. Ray भी हो सकता है, side भी हो सकता है, और segment भी हो सकता है. Segment BP is perpendicular on hypotenuse AC. यानी जब किसी भी कोई भी line अगर किसी hypotenuse, जैसे अगर ऐसा मैंने triangle ले लिया A, B and C. Angle A का value 90 degree. And इस 90 degree से एक line draw किया जिसका value AP. अब ये AP क्या है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। व्हाई हाइपोटेनस? बिकॉज 90 के ऑपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लगती है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ज्योमेट्रिक मीन। सर ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे? सबसे पहले व्हाट इज माय हाइपोटेनस, ठीक है, AC, AC इज माय हाइपोटेनस, ओके AC इज माय हाइपोटेनस। And what is my perpendicular? What is my perpendicular? Perpendicular is my BP. तो क्या करना है? The perpendicular square. क्या बोला मैंने? Perpendicular square. The square of a perpendicular. Square of a perpendicular. अब hypotenuse is divided into two part. है ना? Hypotenuse is divided into two part. Which are they? AP and PC. तो हमने क्या करेंगे? AP into PC. मतलब दो पार्ट कर दिया ना मैंने, दो पार्ट कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ हाइपोटेनियस, अंडरस्टूड। तो हम लोग समझने के लिए ऐसा लिखते हैं, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इंटू पीसी, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का दो पार्ट हो गया एपी एंड PC, तो ऐसे दो पार्ट में हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी अब तक हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट वन हमने सीखा पाइथागोरस, पाइथागोरस के अंदर दो पार्ट हो गया, पहला है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यूज करने वाले। सेकंड होता है ट्रिपलेक्स वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर तीन वैल्यूज दी होगी, उसको हमको सॉल्व करना है और बताना है कि इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। थर्ड होगा 45 45 90,
फोर्थ 30-60-90, फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन। ये पांचों की पांचों चीजें जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको 2.1 एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगी। नाउ वी हैव टू गो फॉर अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस, और ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होता है अपोलोनियस थ्योरम। क्या होता है बेटा? अपोलोनियस थ्योरम। नाउ व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम? इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, एंड ए पी इज अ मीडियन। क्या दिया रहेगा यहाँ पर, मेन चीज यहाँ पर क्या दिया रहेगा, मीडियन। जैसे पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री देना जरूरी है, 30-60-90 के लिए 30-60-90 का होना जरूरी है, 45-45-90 के लिए 45-45-90 का होना जरूरी है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस होना जरूरी है। उसी तरीके से अपोलोनियस में मीडियन वर्ड होना जरूरी है। करेंगे कैसे? अब ये मेरा मीडियन हो गया, मीडियन किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर है, तो मीडियन ऑन साइड, तो कोई तो एक साइड के ऊपर वो मीडियन रहेगा ऑब्वियसली। तो व्हाट इज माय रिमेनिंग साइड, ए बी एंड ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अंडरस्टूड? फर्स्ट पार्ट मेरा ये हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर दैट इज 2 ए पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बीपी है तो 2 बी पी स्क्वायर, अंडरस्टूड? वापस बोल रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर, ए पी मतलब व्हाट इज माई ए पी, ए पी इज माई मीडियन, तो 2 ए पी स्क्वायर प्लस, अब हाफ ऑफ बी सी दैट इज बी पी, तो 2 बी पी स्क्वायर। इस तरीके से हमको क्या करना, अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करना है। जब भी ये थ्योरम आएगा, जहां पर भी ये थ्योरम आएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, यानी पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ कितने कॉन्सेप्ट है, टोटल 6 कॉन्सेप्ट है। टोटल कितने कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कितनी चीजें आएगी, दो, एक तो एप्लीकेशन जो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे वो, सेकेंड आएगा ट्रिपलेट्स, थर्ड 45-45-90, फोर्थ 30-60-90, फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, एंड देन अपोलोनियस थ्योरम। ये 6 प्रॉपर्टीज के अलावा कोई और थ्योरम या कोई और प्रॉपर्टी इस चैप्टर में आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इतनी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी समझने आनी चाहिए। जैसे ही इसका एप्लीकेशन आएगा, जैसे ही इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सम कराने के साथ साथ मैं आपको वापस से एक्सप्लेन भी कर दूं, तो आपका डबल ट्रिपल रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और सबसे पहले इसको कॉपी कर लोगे अच्छे से। इसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करना, और उसको चाहिए तो आप डायग्राम की शेप्स को अलग अलग करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन मेक्स माय मैन एंड वुमन परफेक्ट। आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपका ज्योमेट्री का होगा अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।